फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो है ब्राउज़ को फिल करने के लिए शुगर कॉस्मेटिक का आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ इन द शेड 01 जेरी ब्राउन, और उससे अपनी ब्राउज़ को फिल कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपनी ब्राउज़ को अच्छे से फिल कर लूँगी, और मैं ओवर ड्रॉ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। जो भी मतलब जो है जो मेरा एक्चुअल शेप है, मैं उसी से मतलब जो है अपनी ब्राउज़ को उसी शेप में फिल करूँगी। और यहाँ पे मेरी ब्राउज़ जो है वो ग्रूम नहीं है, क्योंकि मतलब जो है कोरोना होने की वजह से मैं जो है अपनी ब्राउज़ को ग्रूमिंग नहीं करवा पा रही हूँ। तो आगे मैं आपको शायद एक हैक कई हैक शेयर करूँगी, जो कि आप मतलब जो है अपने मेकअप को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हैक ये है कि अगर आपकी ब्राउज़ ग्रूम नहीं है, तो आप किसी भी कंसीलर की हेल्प से उनको अच्छे से शार्प कर सकते हैं। देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी ब्राउज़ ग्रूम नहीं है, तो भी कंसीलर की हेल्प से आप उनको अच्छे से क्लीन आउट कर लीजिए एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वीडियो में। तो इससे क्या है, आपकी ब्राउज़ काफ़ी अच्छे से इन्हेंस होगी। और सेम मैंने अपनी दूसरी आईज पे भी कर लिया है, और कंसीलर को मैंने अपनी पूरी आईलिड एरिया पर अप्लाई कर लिया था एज अ आई शेडो बेस, और उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जो मेरा कंसीलर है वो अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद इसको कलर सेंस के कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं सेट कर लूँगी। और गाइस, आज मेरा ये कॉम्पैक्ट पाउडर ब्रेक हो गया, मतलब देखिए कितना ज़्यादा डस्ट आउट हो रहा है, गिर गया था तो टूट गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेकअप रिवॉल्यूशन का आई शेडो पैलेट लिया है, और जो मेरा एक्चुअल स्किन टोन है उससे थोड़ा सा वन शेड डार्कर शेड मैंने लिया है, उसको एज अ ट्रांजिशन एरिया मैं अपनी आईज़ पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जो आई लुक है काफ़ी सिंपल है, आप मतलब जो बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्रांजिशन शेड जो अप्लाई किया है, उसके बाद सेम पैलेट से मैंने थोड़ा सा डार्क कोल्ड टोन ब्राउन कलर लिया है, और उसको अपनी उससे अपनी क्रीज लाइन को मैं डिफाइन कर लूँगी। सेम मैं अपनी दूसरी आईज पे भी ऐसे ही करूँगी, अपनी आउटर वी पे डिपॉजिट करते हुए अपनी क्रीज लाइन को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी कलर। उसके बाद एक जो है ब्लेंडिंग ब्रश लेके मैं अपने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कुछ भी हार्श ना दिखे, और कोई ये भी ना लगे कि नहीं मैंने कुछ अलग से कलर डिपॉजिट कर रखे हैं अपनी आईज़ पे। उसके बाद सेम पैलेट से मैं ये गोल्डन शिमर शेड ले रही हूँ, गोल्डन क्या गोल्डन और कॉपर का मतलब थोड़ा सा ब्राउन काइंड ऑफ है, ये बिल्कुल गोल्डन नहीं है, येलो गोल्डन नहीं है ये। और उसके लिए मैंने दूसरा हैक यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई शिमर शेड अप्लाई करते हैं या फिर कोई ग्लिटर शेड अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा एक फ्लैट ब्रश लीजिए, और उसको ना एक मेकअप फिक्सर की हेल्प से उसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद जब उस आई शेडो को आप अप्लाई करेंगे, तो देखिए कितना अच्छे से अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने फिंगर का यूज़ नहीं किया, मैंने ब्रश को जो है थोड़ा सा वेट कर लिया है अपने मेकअप फिक्सर की हेल्प से, और देखिए कितने अच्छे से जो ग्लिटर शेड है कितने अच्छे से पिक हो रहा है ब्रश में। और यहाँ पर मैंने अपनी 1/3 आईज पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और बस मेरा यहाँ पे ये आई मेकअप कंप्लीट हो गया। मतलब अभी लाइनर और मस्कारा तो लगाना बाकी है, बट मतलब जो मेरा आईज़ का आई शेडो लुक है वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर मैं अगेन एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सब कुछ ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे नायका का जेल काजल लिया है, और फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा काजल है, आप ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करें, मुझे तो बेहद पसंद आया है। इस मतलब इसका जो ब्रश है ना, उससे आप कैसा भी बोल्ड लाइनर और जो है सिंपल लाइनर किसी भी तरीके का लाइनर जो है ड्रॉ कर सकते हैं, और काफ़ी कंट्रोल होता है इसके ब्रश में। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एक बहुत मतलब थोड़ा सा बहुत तो नहीं पर थोड़ा सा थिक बोल्ड विंग लाइनर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा मैं जो आईज है आईज़ का जो लाइनर है वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल बंगाली टाइप कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे फेसेस कैनेडा का काजल लिया है, और इसको मैं अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं अपर और लोअर वाटर लाइन दोनों पे मैं अप्लाई करूँगी,
तो अगर आप अपर वाटर लाइन पे अप्लाई नहीं कर सकते तो जब भी आप काजल अप्लाई करें आप अपनी आईज क्लोज कर लें, उसके बाद आप मतलब जो है काजल को अप्लाई करें तो आपके अपर और लोअर दोनों लैश लाइन पे जो वाटर लाइन है वहाँ पे काजल अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपने काजल को अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि वो स्मज आउट ना हो। उसके बाद जो सेम कलर मैंने अपने आईलिड एरिया पे अप्लाई किए थे सेम कलर को ही मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। पहले मैंने डार्क कलर लिया है फिर मैंने लाइट कलर लिया है। इससे क्या है थोड़ा सा स्मोकी आइज़ का लुक भी आता है और जो हमारा काजल होता है वो स्मज भी नहीं होता। उसके बाद मैंने यहाँ पर लोरियल पेरिस का मिलियन लैशेज मस्कारा लिया है और उससे अपने आईब्रोज़ सॉरी अपने आई लैशेज को अच्छे से कोट कर लूँगी मैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने अपने आई लैशेज को अच्छे से कोट कर रही हूँ। इसके बाद अगर आपको फेक लैशेज पसंद है, अगर फॉल्सेज पसंद है तो आप अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर मैंने फॉल्सेज भी अप्लाई कर ली हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर बार का इल्यूमिनेटिंग लोशन लिया है। उससे क्या है विंटर्स हैं थोड़ा सा ड्राई स्किन होता है, मेरा तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो जो ग्लो होता है फेस पे इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे जो है ये इल्यूमिनेटिंग लोशन लिया है ताकि मेरे फेस पे अच्छा सा ग्लो आ सके। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिप्स को प्रेप करने के लिए लनेज का लिप बाम लिया है और मुझे बहुत पसंद है ये, लिप्स को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट करता है और विंटर्स हैं तो अब लिप्स को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अगेन ग्लो के लिए और प्राइमर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का प्राइमर लिया है। ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है और एट द सेम टाइम आपके फेस को अच्छा सा हेल्दी ग्लो भी प्रोवाइड करता है। ये तो देखिए यहाँ पे मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया। उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ पैक कॉस्मेटिक का फाउंडेशन इन द शेड 3.0 और उसको एक ब्रश की हेल्प से मैं पहले अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से अपने नेक एरिया पे भी। फ्रेंड्स जब भी फेस पे मेकअप अप्लाई करें तो अपने नेक एरिया को कभी भी अवॉइड ना करें, कभी भी ना भूलें। तो यहाँ पर ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी फाउंडेशन और उसके बाद फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से जो मेरा फाउंडेशन है मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और फ्रेंड्स फाउंडेशन में थोड़ा सा टाइम देके आप फाउंडेशन को ब्लेंड कीजिए क्योंकि ब्लेंडिंग मस्ट होती है मेकअप में, नहीं तो हमारा जो मेकअप है वो फट जाता है। मतलब ऐसे लगता है कि मेकअप हमारा फट रहा है, ऐसे लेयर्स से बनने लगती हैं, इसलिए उसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने यहाँ कंसीलर लिया है शुगर कॉस्मेटिक का इन द शेड 40 और उसको जहाँ जहाँ पे मुझे कंसीलर लगाना है मतलब जहाँ जहाँ पे हाईलाइट करना है या जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। और फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा कंसीलर है ये, मुझे तो बहुत पसंद है। तो देखिए यहाँ पे मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंडिंग। आई एम ऑलवेज सेइंग इन माई एवरी वीडियो दैट ब्लेंडिंग इज मस्ट इन मेकअप, सो प्लीज़ गाइज ब्लेंडिंग ज़रूर करें मेकअप को टाइम देके। उसके बाद कॉन्टोर के लिए मैं यहाँ शुगर कॉस्मेटिक का एक कॉन्टोर स्टिक ले रही हूँ और जहाँ जहाँ पर मुझे कॉन्टोर करना है वहाँ वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। तो मैं डायरेक्ट इस स्टिक को नहीं यूज़ करती अपने फेस पे क्योंकि पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा है तो पूरे फेस पे ना मतलब सही से अप्लाई नहीं हो पाता है। तो आप ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे तो क्या जितना अमाउंट आपको चाहिए होगा बस आप उतना ही अप्लाई कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से मैं कॉन्ट्रोल को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रोर को ब्लेंड कर लिया। फेस को सेट करने के लिए मैं कलर सेंस का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और इससे जहाँ पर मैंने कॉन्ट्रोर किया जहाँ पर मैंने कंसीलर से हाइलाइटिंग करी थी वहाँ वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट पाउडर डिपॉजिट कर रही हूँ ताकि जहाँ जो हाइलाइटिंग वो हमारी काफ़ी अच्छे से इन्हेंस हो
उसके बाद जो है मैं पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी अपने कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से, और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अगेन इसको सब ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो भी एक्सेस हो वो रिमूव हो जाए और हमारा बेस बिल्कुल फ्लॉलेस और नेचुरल फिनिश में आ जाए। ये ना लगे कि नहीं आपने अलग अलग लेयर्स में मेकअप लगा रखा है। उसके बाद मैं ब्लश और ब्रॉन्ज़र के लिए मैंने सिवाना कलर्स का फेस पैलेट लिया है, और इससे एक पिंक कलर लेके मैं ब्लश ले रही हूँ, उसको अपनी एप्पल ऑफ द चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। और देखिए गाइस काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये ब्लश मुझे, मतलब अगर आप बिगनर्स हैं और इन बजट मेकअप लेना चाहते हैं तो आप ये जो पैलेट है ये भी ट्राई कर सकते हैं, जो कॉम्पैक्ट पाउडर है आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, जो फाउंडेशन मैंने और जो कंसीलर यूज़ किया है वो लिटिल बिट थोड़ा सा प्राइसी है, बट प्राइमर जो भी मैंने अप्लाई किया वो भी बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। उसके बाद जो इसमें मैंने जो ब्रॉन्जर शेड दिया गया है या जो कॉन्टोर शेड दिया गया है उसको मैंने जहाँ पे क्रीम कॉन्टोर किया था वहाँ पर अप्लाई किया। उसके बाद मेकअप फिक्सर के लिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर ले रही हूँ और इसे अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं हाईलाइटर अप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पहले मेकअप को सेट किया फिर हाईलाइटर अप्लाई किया, तो इससे क्या होगा जो हाईलाइटर होता है ना वो काफ़ी अच्छे से इन्हेंस होता है। देख लीजिए आप, मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई किया, तो देखिए कितना अच्छा हाइलाइटर दिख रहा है, कितना अच्छा बिल्कुल हेल्दी हेल्दी सा ग्लो लग रहा है फेस पे। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना कि पहले अपने मेकअप को सेट कर लेना उसके बाद आप हाइलाइटर अप्लाई करें, तो हाइलाइटर जो काफ़ी अच्छे से इन्हेंस होता है। उसके बाद मैंने लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है शुगर कॉस्मेटिक का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 01 ब्रेजन रेजन, और काफ़ी अच्छा ये रेड कलर है, बिल्कुल डार्क ब्लड रेड, काफ़ी अच्छा रेड कलर है, फेस्टिवल्स के लिए काफ़ी अच्छा कलर है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने लिप्स को मतलब लिप्स पे लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा लुक कम्प्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया तो प्लीज़ गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दिया करो, आप लोगों का एक लाइक ना हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम और बेटर करें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी।